जालौर, सिरोही और जैसलमेर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तूफान की वजह से बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों से करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अभी फिर जो तूफान का असर अब बाड़मेर में तेजी के साथ दिखने लगा है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है, सड़कें लबालब हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कलेक्टेड रोड है, ये जो विवेकानंद सर्किल है इसके आसपास देखो 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पर बहने लग गया है। हालात ये है कि अब जो कच्ची बस्ती के इलाके हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है और प्रशासन भी वहाँ पहुँच गया है और वहाँ पर कच्ची बस्तियों में पानी खाली करवाने को लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़ और पोल गिर गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भाग में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा होने की वजह से स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ सभी पर्यटन स्थल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। दोपहर बाद से ही मौसम बदला है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हम जोधपुर के अभी रातानाडा क्षेत्र में है और यहाँ पर बारिश के कारण जो पानी भराव है मुख्य सड़कों पर हो गया है, जिससे वाहनों को निकलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं, जिम की जिला प्रशासन ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है और विशेष अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात तट से टकराने के बाद तूफान की स्पीड कम हो गई, अब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज मध्य रात्रि तक ये और वीक होकर डीप डिप्रेशन जिसको बोलते हैं उसकी कैटेगरी में और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी और लेट नाइट में ही ये राजस्थान के जो जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र है यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगा। जयपुर के अंदर जो रेनफॉल होगी वो हैवी की कैटेगरी में होगी, तो इसका कोई ज़्यादा खासा प्रभाव जो है, जिसको कि कह सकते हैं कि कोई उफान जैसी कोई स्थिति जो है जयपुर में नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में तूफान 17 और 18 जून को भी एक्टिव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।